एक्शन। हाँ तो आज दीपा जी के हाथ का देखते हैं शाही पनीर। तो दीपा जी आप जो शाही पनीर कैसे बना रही है, अभी आपने क्या किया है? मैंने गैस चालू किया। हाँ मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ओके प्योर सरसों का ऑयल यूज करते हैं। ओके ये आपने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया राइट। ओके इसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब मैं इसमें ये मिर्ची है, ये प्याज है ओके, और ये टमाटर है। ओके पहले मैं इनको फ्राई करके एकदम ब्राउन कर लूंगी। या आफ्टर दैट मैं इसमें जीरा डालूंगी। ओके तो पहले आप कैसे क्या डाल रही है, डालिएगा? पहले मैं मिर्ची डालती हूं। मिर्ची डाल रही हैं आप, ठीक है। ये आपने इसमें ये आपने मिर्च डाली, इसको हिलाएंगी आप? हाँ। तो नहीं। ओके अब ये हिल रही है। अच्छा अब इसके बाद इसमें क्या डालेंगे आप? अब इसमें प्याज। प्याज डालेंगे, गुड। अच्छा ये प्याज कितनी डाली है आपने, काट के कुछ आइडिया है थोड़ा सा? एक प्याज है। एक प्याज है, मतलब ये टोटल जो खाना है कितने लोगों का खाना बन जाएगी सब्जी? ये 2 लोगों के लिए। 2 लोगों के लिए बन जाएगा, बेहतर। गुड अभी आप इसको भून रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितनी देर तक भूनेंगे इसको आप? मैं इसको 2-3 मिनट तक भूनूंगी। 2-3 मिनट तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता राइट। ओके तो और उसके साथ साथ अभी इसके साथ में तैयारी में बाकी चीजें आपकी हैं, रखी हुई हैं साथ में। हाँ। ये आपका क्या है, ये कौन कौन से मसाले हैं? ये क्या मसाला है? ये जीरा है। ये जीरा है साथ में, दही है। अच्छा दही का भी इस्तेमाल होगा? हाँ। अच्छा और ये आपका क्या है? ये पनीर है। पनीर है, ये तो सबसे बाद में डलेगा आई थिंक। और इसका इसका भी इस्तेमाल करेंगे आप? हाँ। ये किस लिए पानी का इस्तेमाल? पानी इसमें दही डाल के उसको पानी डाल के थोड़ा पकाएंगे, ग्रेवी के लिए पकाएंगे। ओके और मसाले क्या क्या डाल रही हैं आप? मसाले लाल मिर्च है, okay, हल्दी है okay, और नमक है। नमक है मतलब सब चीज का, गरम मसाले का मिश्रण भी तो होगा ना इसमें? हाँ, हाँ, गरम मसाला, गरम मसाला भी होगा। और अच्छा इसमें अभी ये आप जो आपकी ये मेरे को दिख रही है लौंग और ये जो इसको नहीं डाला आपने? अभी ये डालेंगे। अच्छा ये बाद में डालेंगे आप, ये प्याज के बाद। ओके तो अभी आप ये इसको हिलाकर बना रहे हैं राइट। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑयल इतना ही ठीक है आपके हिसाब से, थोड़ा और होना डाल दीजिए आपको लगता है तो, आप जिस हिसाब से बनाती हैं तो 1 चम्मच और डाल सकता है राइट। तो मतलब 3 चम्मच हमने ऑयल डाला तो ये प्रॉपरली अपनी शक्ल लेना शुरू कर देगा राइट। अब इसमें आप डालेंगी, यहाँ डालिएगा इसके अंदर आप ये जो आपका है टमाटर, टमाटर से पहले ये डालिएगा। हाँ ये आप डाल दीजिए ना, या करेक्ट। अब इसको भूनिएगा, गुड। अब इसमें मसाला डाल दीजिएगा और टमाटर डालिएगा, टमाटर डालिएगा आप इसमें, ये टमाटर डाला आपने, गुड। अब इसको हिलाइएगा, बहुत बढ़िया। अक्सर यहाँ खाना आप ही बनाती हैं सारा? हाँ आपकी मम्मी के स्वाद का तो मालूम है, वो तो बहुत अच्छा बनाती है। ओके तो अभी ये आप क्या कर रहे हैं, भून रहे हैं इसे? हाँ। अरे वाह, मतलब सारा परिवार मिलके काम करता है। मैंने आज सुबह हाँ। देखा पापा आपके पानी की बोतलें साफ कर करके भरते हैं। हाँ। आप पानी भर, मतलब पूरे परिवार है जो एक पूरे ढाबे को चला रहा है। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये भून रहा है अच्छे से। मसाले डालिएगा इसके अंदर, क्या क्या मसाले डाल रही हैं आप जरा मुझे दिखा के? हाँ ये हाँ अच्छा ओके, इतनी आपने मिर्च ज्यादा हो गई, ठीक है चलेगा। आधा चम्मच मिर्च डाला आपने, ये क्या है? हल्दी। हाँ थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, ये गुड। उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, गरम मसाला और जीरा। जीरा आपने डाला नहीं, जीरा डालिएगा, नमक हाँ चलेगा, बस थोड़ा जीरा डालिएगा। अब इसको हिलाइएगा आप, जलने ना पाए इसको, जरा तेजी से हिलाइएगा जिससे ये बढ़िया हो। ये बन रहा है शाही पनीर, शाही पनीर की ग्रेवी है। क्या टमाटर को हम जितना गलाएंगे ना उतना ये उसका अलग वो होगा। इसमें एक काम कीजिएगा, देखिएगा इसको पकाने के लिए तरीका होता है, एक बूंद हमने इसमें
सिर्फ पानी डाला, ये सिर्फ ग्रेवी को एक रूप देने के लिए, ये लगेगा नहीं, राइट। और इसको अभी हम इसको अच्छे से रब कर दीजिएगा। एक्चुअली वो मेरे पास वो नहीं है, वरना मैं इसको रब करता तो ये बिल्कुल देखिए, अब ये जो है प्रॉपरली एक मसाला तैयार हो रहा है, करेक्ट। अब इसमें डालिएगा धनिया, ये अब आपने ऊपर डाला धनिया, करेक्ट। और दही को पतला कीजिएगा, दही को जरा रब कर लीजिएगा, रब कीजिएगा दही को, हाँ, और इसके अंदर रब कीजिएगा और पानी मिलाइएगा हल्का सा पानी मिलाओ अब इसको मिलाइएगा, देखिए ये मसालों के छोक से जो खुशबू आती है और उससे कैसे छीके लगती है, ये भी कमाल है, वाह बहुत अच्छे। डालिएगा अब इसमें, आप डालिएगा इसको, ये अब आपने इसमें दही डाल दी, राइट। पानी डालिएगा इसमें, और पानी डालिए, डाल दीजिए पूरा पानी, ये गिलास पूरा डाल दीजिए, हाँ गुड, बस। अब इसको हम थोड़ी देर गद्दा लगने देंगे, राइट। अभी जो गद्दा लगता है देखते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या रह जाएगा, इसमें सिर्फ पनीर डाल, पनीर रह जाएगा, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद इसमें पनीर डाल देंगे, देन ऊपर से धनिया डाल देंगे, तो ये तैयार हो गया शाही पनीर, करेक्ट। हो जाने दीजिए, ये आपने इसको थोड़ा सा ढक दिया कि जल्दी है ना, हो जाएगा, गुड। अच्छा तो ये आप बहुत बढ़िया चीजें इस्तेमाल करती हैं, बड़ा किचन आपका साफ सुथरा है, वाह स्वच्छ खाना है एकदम, क्या बात है, ऐसा ही खाना होना चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ रखेंगे तो खाने में अच्छा रहता है, खाने वाले को भी और देखने वाले को भी, बहुत बढ़िया। तो डब्बे आपके जो है इसको आप बंद करके रख देंगे ढक्कन लगा के, ओके। दीपा सुना है आप पढ़ भी रही हैं साथ में, हाँ, मैं पढ़ा ही, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप, मैं 13 में हूँ, FIBMS। अरे तो अच्छा, एक और मेरे को सुनने में आया था कि आप कुछ IAS की तैयारी किस प्लान में है, हाँ, मैं ग्रेजुएट के बाद IAS की तैयारी, क्या बात है, IAS की तैयारी करेगी, देखिए एक, एक ये सोचिए एक छोटे से ढाबे के अंदर अपने घर का यापन करने के बाद, जीवन यापन करने के साथ, अपने माँ बाप का साथ देने के साथ साथ ये लड़की ऐसे सपने बुनकर चलिए कि एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनना चाहती है, उसके एग्जाम देना चाहती है, कमाल है इसका, ये अपने आप में एक प्रशंसा की पात्र है, ये लड़की छोटी सी लड़की जो इतनी हिम्मत करती है, कॉलेज से पढ़ने के बाद वापस घर आती है और घर आने के बाद अपनी माँ का हाथ बटाती है, अपने बिजनेस में हाथ बटाती है, कमाल की बात है, सैल्यूट टू हर, मैं सैल्यूट करता हूँ इस लड़की को। हाँ तो अब देखिए इसको थोड़ा सा उबाल, कुछ लग रहा है आपको या अभी नहीं, हाथ जले ना, चिमटा लो, ये रहा चिमटा, अभी ये गद्दा हो रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको जितना ये वो होगा पकेगा उतना ही इसमें मजा आएगा, फिलहाल अल्टीमेट इसके पकने का खेल है, अब ये पक जाएगा और पकने के बाद पनीर डल दिया जाएगा तो ये शाही पनीर तैयार हो जाएगा, घर का शाही पनीर, भाभी के हाथ का शाही पनीर है, भाई वाह क्या बात है। देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हमने दही डाली है ना वो पूरी मर्ज हो जाएगी इसके अंदर, हल्का सा आप देख रहे हैं उसके अंदर थोड़ा खुशबू एक आने लगी है। अब इसके अंदर ऊपर से डाल दीजिएगा शाही पनीर के बेहतरीन टुकड़े, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड दीपा,
आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, नाइस। ये फैला के आपने पूरे डाल दिए हैं, अच्छी बात है। पनीर कैसा है, एक टुकड़ा दिखाएंगे मुझे खा के, मैं कैसा टेस्ट होता है इसका। क्या बात है, लगता है जैनब डेयरी से लेके आई हैं आप। हाँ, जैनब डेयरी का पनीर कमाल का पनीर है, वाह। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे आप, ओके। ये तो कमाल का बन गया शाही पनीर। थैंक यू दीपा, आपने बहुत बढ़िया एक रेसिपी दिखाई। नो डाउट आपकी मम्मी बहुत बढ़िया बनाती है, लेकिन आज आपने बनाया और मैंने भी आपका सहयोग दिया, और इस शाही पनीर के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।